हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो आज हम लोग कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी BEO जिसका एग्ज़ाम है 16 अगस्त को, तो उसका हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। हमारा 30 डेज रिवीजन कोर्स चल रहा है और आप लोगों को जैसा कि पता है 26 डेज अभी लेफ्ट है एग्ज़ाम में। तो अभी 26 डेज से काफ़ी टाइम है। आप लोग जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, आप लोग लूशन तैयार करते रहिए, करंट अफेयर तैयार करते रहिए और मेनली UP तैयार करिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैं रिवीजन कोर्स करा रही हूँ 30 डेज का, जिसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग और हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, UP स्पेशल और करंट अफेयर की सीरीज़ में जल्द ही लेने वाली हूँ, जो कि पूरे साल भर का करंट अफेयर का सम अप होगा और उसके अलावा बाहर से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इसके लिए पूरे मेरी सक्सेस मंच की सीरीज़ को फॉलो करिए, देखिए और उसको अपने जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ वैसे वैसे उसे लर्न करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़। पहला क्वेश्चन आज का है, उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे गीत लिखा है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हवा आने दे, ये गीत किसने लिखा है और करंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन है जयदीप साहनी, इरशाद कामिल, राजेंद्र कृष्णा या स्वानंद किरकिरे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर स्वानंद किरकिरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलोस रोनिस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन या टेनिस। तो ये संबंधित है टेनिस से, याद रखेंगे मिलोस रोनिस टेनिस से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बर्ड फ्लू का विषाणु नाम किस नाम से, बर्ड फ्लू का जो विषाणु है वो किस नाम से जाना जाता है, NH1, NH5, NH5N1 या N5H1। इसका करेक्ट ऑप्शन है H5N1, इस नाम से ये जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इनमें से किसने किया था, स्टीवन सोशन, नरेंद्र सिंह कपाड़ी, जोहानिसबर्ग गुटेनबर्ग और JL बेयर्ड। तो ये किया था जोहानिसबर्ग गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ट्रेन 10 डिग्री चैनल नामक जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी बिल्कुल सही है। सैडल चोटी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और अंडमान द्वीप समूह एक वनस्पति एक भूमध्य रेखीय का प्रकार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब कि हमारे साथ चारों यहाँ सही हैं, तो सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की कार्य पद्धति क्या थी, वो असहयोग में ध्यान देते थे, संवैधानिक कानूनों को मानते थे, निष्क्रिय प्रतिरोध करते थे या सविनय अवज्ञा को मानते थे। तो वो मानते थे संवैधानिक कानून को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ये हमारा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नासा के ट्रांसिनिक एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन ने हाल ही में किस सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है GJ357D, इसकी खोज की है, जो कि सुपर अर्थ कहा जाता है ग्रह। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जैविक कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो इसका करेक्ट आंसर आता होगा। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकांड्रिया या संपूर्ण कोशिका। तो करेक्ट आंसर है माइटोकांड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उन क्रिकेटरों का नाम बताइए जिसने बिजटन एल्मनेक क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का 7th संस्करण जीता था। तो ऑप्शन है आपके पास रोहित शर्मा, झूलन स्वामी, विराट कोहली, स्मृति मंधाना, मोहम्मद शमी, मिताली राज या जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना। तो करेक्ट आंसर है इसका जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
इंडियन शूटर का नाम बताइए जो 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सातवीं ओलंपिक कोटा प्राप्त कर रहे हैं। तो ऑप्शन है सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, मनु भाकर या राही स्वर्णोबत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु लोगों का सबसे मानकीकृत उत्पाद था? मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, ईंटें या मूर्तियाँ। तो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी की सभ्यता में जब रेल की पटरी बनाई जाने के लिए खुदाई होने लगी तो ईंटें मिले हैं, तो मानकीकृत उत्पाद जो है वो ईंटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का उन नियमों उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है। न्यूटन की गति का जो नियम है कि वस्तु विश्राम में हो, मंद गति कर रहे हो, उच्च वेग से गति कर रहे हो या प्रकाश के वेग की तुलना से गति कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर है इसका प्रकाश के वेग से तुल्य वेग से गति कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन भी है, तो आप लोग को आता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है H2O, जो कि जल का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था? सूरत में, मूसलीपट्टनम में, कोचीन में या फिर कासिम बाजार में। तो इसका करेक्ट आंसर है मूसलीपट्टनम में। फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला जो कारखाना था 1605 में मूसलीपट्टनम में लगाया था और 1610 में दूसरा कारखाना सूरत में उन्होंने लगाया था। तो प्रथम कारखाना यहाँ मूसलीपट्टनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तुगलक वंश का सुल्तान कौन था? तो इसमें है नासिरुद्दीन महमूद, ये था तुगलक वंश का सुल्तान। बाकी ये तीन, ये जो दो हैं वो तुगलक वंश के सुल्तान में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन है कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन और क्लोरोफिल। तो आप सभी जानते होंगे जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्लोरोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, लैंगिक प्रजनन विविधता की अनुमति देता है जबकि अलैंगिक प्रजनन अनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखता है। हमारा सेकंड है यहाँ पर, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर का इस्तेमाल हमें लक्ष्य जीव में अवांछनीय जीनों को शुरू के बिना केवल एक या अवांछनीय जीन के एक समूह को अलग करने की और पेश करने की अनुमति देता है। तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। तो मतलब कि हमारा ये ऑप्शन दोनों सही है, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी पास चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। तो अभी कथन एक है, संविधान का अनुच्छेद 18 व्यक्तियों को किसी भी दशा में कोई भी उपाधि, चाहे वो सैन्य हो या अकादमी पदवी को छोड़कर धारण करने से रोकता है, चाहे वो देशी हो या विदेशी। और कथन कारण जो इसका आर है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की उपाधि संवैधानिक रूप से वैध है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन बिल्कुल राइट है। बट जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि दोनों कथन सत्य है बट आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता, इसके बारे में करेक्ट नहीं बताता है। तो यहाँ पे ये हमारे ख़त्म होते हैं 20 क्वेश्चन। होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ मिक्स थे, मल्टीपल क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।